So this is how the people who have come out here in large numbers for the COVID-19 vaccine. The biggest camp ever in Goregaon. मुंबई एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सो दिस इज मुंबई एक्सप्रेस कमिंग टू यू लाइव एंड एक्सक्लूसिव फ्रॉम द आईबी गोरेगांव स्कूल गोरेगांव वेस्ट वेयर आई हैव अ लॉट ऑफ शिवसेना वर्कर्स ओवर हियर एंड इट्स फॉर बिकॉज ऑफ कोविड दैट दे हैव कम टुगेदर। सर मुंबई एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आज का जो ये कार्यक्रम जो तुम लोग आप लोग ने किया है उसके बारे में जरा थोड़ी जानकारी देगी अपने दर्शकों को। ये एकंदरित जो कोविड है उसका सामना करने के लिए शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे साहब ने ये जो रिलायंस को मध्यम में डालकर ये जो बड़े कैंप चालू किए हैं पूरे ऑल ओवर मुंबई में, इसमें गोरेगांव में एक कैंप हुआ सैटरडे को और ये आज है सोमवार को। उस दिन कम से कम 2100 डोज हो गए और आज कम से कम 3200 डोज का हमारा ये टारगेट है। और ये टारगेट माननीय हमारे उद्योग मंत्री देसाई साहब और हमारे खासदार कीर्तिकर साहब इनके माध्यम से ये चल रहा है और इसके बाद भी गोरेगांव में और लोग बच रहे हैं, इसके लिए और डोज लाने के हमारे उद्योग मंत्री देसाई साहब सुभाष देसाई साहब ये कोशिश कर रहे हैं और जल्दी जल्द ये होने के बाद हम एक दो हफ्ते में और बड़ा कैंप करने की हमारी सोच है। ये जो कैंप है ये सबसे बड़ा कैंप है गोरेगांव में, ये एक बड़ा कैंप है, कम से कम 3200 और गोरेगांव ईस्ट में भी चालू है। गोरेगांव ईस्ट में कम से कम पौने कम से 1800 ये गोरेगांव ईस्ट में है और इधर कम से कम 3200 है, पहले तो 2100 हो गए हैं और इसके बाद और होते रहेंगे जब तक पूरे गोरेगांव का एक एक आदमी जब तक ये डोज नहीं पूरा होता तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है, तब तक हम ये काम करते रहेंगे। ये हमारे सुभाष देसाई साहब का और कीर्तिकर साहब का मोटो है। तो आप लोग को इन जनरल कुछ काउंट मिला है गोरेगांव का कि मतलब कितना कि आप लोग काउंट कैसे लेने वाले हैं? अभी गोरेगांव में हमारे यहाँ कम से कम गोरेगांव विश्व 9 से 10 मुंबई महानगर पालिका के ये चालू है, वहाँ एक दिन के बाद 200-300 डोज का रोज से आज कम से कम 2-3-4 महीना हुआ है ये हमारा ये चालू है। अभी गोरेगांव में कम से कम 4.25 लाख कैपेसिटी है तो ये उसका अपडेट चालू है कि कितने हो रहे हैं वो लेकर ही करेंगे। अभी ये 18 साल के बाद का ही अभी चालू है ना, तो उसमें ये करेंगे हम लोग।